हेलो, वेलकम एवरीवन। दोस्तों, मैं काफ़ी सारी काउंसलिंग करता हूँ। कुछ समय पहले हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग कर रहा था। दोनों के रिश्तों के बीच में बहुत चैलेंजेस थे, दोनों के रिश्ते में। तो मैं दोनों को अलग अलग बात कर रहा था। तो हस्बैंड से मैंने पूछा कि आप के वाइफ के बारे में क्या है आपको कहना। तो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर फोकस कर रहा था। वाइफ को पूछा, सेम नेगेटिव चीज़ों पर फोकस कर रही थी। मैं ऐसे ही पूछा कि क्या आपके इस इंसान के अंदर, आपके इस रिश्ते में कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है? तो बोले, सर वो अच्छे हैं लेकिन फिर नेगेटिव चीज़ों पे फोकस। हमारा जो मन है हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। पेरेंट्स भी कई सारे मेरे पास आते हैं बच्चों की कंप्लेंट लेकर। एक पेरेंट तो बाकायदा लिस्ट लेकर आया था, मेरा बेटा पढ़ता नहीं, टीवी देखता रहा, दोस्तों के साथ घूमता रहता, वीडियो गेम खेलता रहता, सब दुनिया भर का सब लिस्ट। तो हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करता है और याद भी नेगेटिव चीज़ों को सबसे ज़्यादा रखता है। अगर आपको किसी ने प्रेस कर दिया हमको कम याद रहता है, लेकिन किसी ने अगर आपका इंसल्ट कर दिया वो बराबर हमारा ब्रेन माइंड उसको याद रखता है। अब देखिए, नेगेटिव चीज़ों को सबसे ज़्यादा रेटिंग मिलती है, सबसे ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं, व्यूइंग सबसे ज़्यादा उसी को मिलती है। और दिन भर कई सारे टाइम पे जब हम बहुत काम पे जाते हैं, दिन भर में काफ़ी अच्छा दिन होता है और सडनली अचानक से एक इंसान आपके बारे में कुछ गलत बोल देता है, बस आपका पूरा ध्यान उस चीज़ पे चला जाता है और पूरा दिन आप समझते हैं कि नेगेटिव है। जैसे कि घर पे पहुंचने के बाद अगर आप कोई आपसे पूछ ले कि आज का दिन कैसा गया, तो आप कहेंगे पूरा बेकार दिन था आज का, जबकि दिन काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो एक चीज़ की वजह से आपने डिक्लेयर कर दिया कि पूरा दिन बेकार गया है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप सब लोगों के साथ, हम सब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो ये वीडियो हम सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए है, एंड तक देखिएगा। मेरा नाम प्रजेश ट्वस्की है, मैं एक टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ और एक लाइफ कोच हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। चलो मुद्दे पर आते हैं। कहते हैं ना कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों हमारा मन हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करता है। कहते हैं ना कि मैं आपको चांद दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि देखो चांद कितना खूबसूरत है, और आप कहते हैं कि सर आपकी उंगली टेढ़ी है। तो मैं दिखा क्या रहा हूँ और आप देख क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं? सो मेरे दोस्त, ऐसा क्यों है? ये हमारा नेचर है। साइंस कहता है कि ह्यूमन ब्रेन की जो वायरिंग होती है वो नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करने के लिए होती है। ये जो हमारी टेंडेंसी है नेगेटिव चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, ये हमारे एवोल्यूशन से आती है। हज़ारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो हमेशा वो खतरे से घिरा हुआ रहता था। तो जिसका ब्रेन एक खतरे को भाप सके, इस खतरे को समझ सके, एहसास उसे हो जाए ताकि वो उससे बच सके, ऐसे ही लोग सर्वाइव कर पाते थे। इसके लिए उस वक्त में इंसान नेगेटिव चीज़ों को एट्यून रहता था ताकि वो खतरे से बच सके, और ब्रेन का इंटेंशन है आपको इस खतरे से बचाए, आपको सेफ रखे। जैसे कि टाइगर जंगल में आ जाए या आपके इर्द गिर्द में आ जाए, पुराने ज़माने की बात करो, तो आपको भनक होनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए ताकि आप अपने आप को सुरक्षित कर सके। लेकिन मेरे दोस्तों, टाइगर तो चले गए, जंगलों से भी चले गए, बहुत कम हो गए। और ये जो अननोटिस्ड टाइगर है आपके लाइफ में अभी आ चुका है। कहते हैं ना कि वाइल्ड एनिमल्स आर डिक्रीजिंग इन द जंगल इज एंड इंक्रीजिंग इन द टाउन। ये टाइगर कौन सी है जो दिखता नहीं लेकिन है आपके लाइफ? जैसे कि उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से अच्छी है, पड़ोसी के लड़के को देखो, चाचा के लड़के को देखो, कहाँ से कहाँ निकल गया, तू कहाँ पर है। ऐसे बहुत सारे नकली टाइगर हमारे ज़िंदगी में आ चुके हैं और पूरा फोकस यहीं पर होता है, और दिन भर हमारा मन ये नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते करते इससे हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं, सेहत बिगड़ता है, हर वो जगह पे परफॉर्मेंस में तकलीफ़ हो जाती है, हर जगह हम जो है कहीं ना कहीं कम पड़ते रहते हैं, जस्ट बिकॉज हमारा माइंड जो है हमेशा नेगेटिव 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 चीज़ों पर ध्यान देता है, जबकि वो पॉजिटिव चीज़ के ऊपर भी फोकस कर सकता है, लेकिन वहाँ पर जो इंटेंसिटी है बहुत कम हो जाती है। तो करना क्या चाहिए? सोल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट, एकदम सिंपल बात है। मैं जैसे कि मैं हमेशा पहले भी कहा था कि मैं हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हूँ, एक काम कर लेना, एक डायरी, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, रोज रात को बैठकर आपके दिन भर में क्या क्या उसको लिख कर छोड़ देना ताकि आपके अंदर से सब चीज़ निकल जाए, टेंशन निकल जाए और आपको नींद आ जाए। तो अभी क्या करेंगे?
दिन भर में क्या नेगेटिव हुआ, उससे क्या लर्निंग। हमेशा याद रखना, कोई भी एक इंसिडेंट होता है, एक नेगेटिव इंसिडेंट होता है जो आपके विपरीत है, आपकी इच्छा के विपरीत है, उसमें कुछ ना कुछ तो हमको लर्निंग मिलती है। तो क्या क्या नेगेटिव हुआ उसकी लर्निंग लिखिए, ताकि हम फिर से उसको रिपीट ना करें। और दूसरा, क्या क्या दिन भर में अच्छा हुआ, तो शुरू लर्निंग से लिखेंगे और एंड करते 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 आप दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ उसको लिखेंगे। लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और इसके साथ ही आप सोएंगे। यानी कि दिन का एंड जो हुआ, सोने के पहले आपने पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस की और नेगेटिव चीज़ों से आपने लर्निंग लिख दी। नेगेटिव चीज़ें लिखेंगे नहीं वहाँ पर, लर्निंग, यहाँ से मैंने ये सीखा, इस इंसिडेंट से ये सीखा, ये मेरे दोस्तों, हम नेगेटिव चीज़ होने से रोक नहीं सकते ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन क्या हम पॉजिटिव चीज़ कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है, एक ऐसा दिन था जिसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही थी। जैसे कि मैं कोचिंग क्लासेस चलाता था और उस दिन रिजल्ट का दिन था, तो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ जो है पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे थे। मैं भी परेशान हो गया था, तो मैं क्या करूँ क्या करूँ नहीं समझ में आया, लेकिन उस वक्त मैं डायरी लिखा करता था। तो मैंने अपने स्टाफ को कहा कि बाकी का आप देख लो, आज मैं घर पे जा रहा हूँ। ऑन द वे मैं रास्ते में उतरा, एक नारियल पानी ले लिया, मम्मी को ला के दे दिया, मम्मी को पैर दबा के दिया, कुछ दुकान से कुछ सामान ला के दिया, बातें की मम्मी के साथ बैठकर। मम्मी परेशान हो कि अचानक में तो ऐसा क्यों कर रहा है। उसको क्या मालूम कि मुझे डायरी में लिखना था, तो सोने के पहले किसी भी हालत में मैंने 4-5 पॉजिटिव चीज़ें कर दी। ऑन द वे में रिक्शे वाले से भी बहुत अच्छी तरह से बात की, वो भी खुश हो गया, बोले एक आलस आदमी मिला था, क्या मालूम बहुत अच्छा उससे बात किया, वो भी जाके घर में पॉजिटिविटी फैलाएगा। शक्ल से तो गुंडा लग रहा था, लेकिन उसने सब चीज़ अच्छी तरीके से बताई मुझे, तो वो एक पॉजिटिव हुआ। फिर मम्मी को हेल्प कर दिया, सब डायरी में लिख दी। मैंने अपने आप को किसी भी तरह रात को सोने के पहले पॉजिटिव रखा, और फिर अगले दिन जब हम उठेंगे ना, तो हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठेंगे। आप सब जानते हैं कि अगर हमने कोई भी रात को गाना गुनगुनाते हुए हम सोए, याद रखना अगले दिन पूरे दिन भर में आप सेम गाना गुनगुनाओगे। तो सेम वे इसको प्रैक्टिस कीजिए, मैं तो बोलता हूँ 21 डेज कीजिए, फिर बाद में 90 डेज तक इसको कीजिए, फिर आपके लाइफ स्टाइल बन जाएगा। अभी मैं नहीं लिखता हूँ, लेकिन रात को अब आदत सी हो गई है, ये मेरा लाइफ स्टाइल हो चुका है। सो नेगेटिव चीज इज लर्निंग, पॉजिटिव चीज़ों से एंडिंग आपको करना है और इसकी आदत डालनी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर आदत हो जाए, नेगेटिव चीज़ें होगी लेकिन इट विल गो ओवर शैडोड बाय पॉजिटिव थिंग्स एंड यू विल स्टार्ट ओनली थिंकिंग पॉजिटिव। ये सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, करके देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना व्यू लिखिए, शेयर कीजिए। गुरु है, शुक्र है।